पुरानी पेंसिल बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मुरैना से है, जहां जिले के केलारस तहसील में मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन नायब तहसीलदार महोदय नरेश शर्मा जी को सौंपा गया। इसमें सभी कर्मचारियों को एनपीएस बंद करके ओपीएस लागू कराने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी द्वारा अपने वचन पत्र में 47.34 पर यह वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। इस हेतु आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते मुख्यतः मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केशव शुक्ला, आजाद अध्यापक संघ के मुरारी लाल धाकड़, राधेश श्याम शर्मा, संत कुमार जाटव, डालचंद वर्मा, आजाद अध्यापक संघ के नरेश धाकड़, बीरेंद्र धाकड़, राजेंद्र शर्मा, सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। मुरैना से जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नाम से कि हमारी जो पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई थी ओपीएस, उसको लागू करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और एनपीएस को बंद करने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पहले वचन पत्र जो जारी किया था उसमें 47.34 पर ये हमको दिया था कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम उनको वही वचन पत्र याद दिलाना चाहते हैं। ये हमारा ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर दिया जा रहा है। अगली कड़ी में हम जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम भोपाल में आंदोलन के रूप में वहाँ पहुँचेंगे और हम अपनी जो मांग है, हमारी जो सभी कर्मचारियों की जो बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, उसे हम लेके रहेंगे। हम ये कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद।